शादीशुदा मर्दों पर आया इन हीरोइनों का दिल, कोई बनी दूसरी तो कोई बनी तीसरी और चौथी बीवी। कुछ कुछ होता फिल्म में शाहरुख खान का एक डायलॉग है, हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं और एक ही बार शादी करते हैं, लेकिन हकीकत में इससे बहुत ही अलग है। ऐसी कई एक्ट्रेस है जिन्होंने बच्चों के बाप से शादी करना पसंद किया। नंबर एक पर है करीना कपूर। करीना कपूर के पति सैफ अली खान पहले से ही शादीशुदा। पहली शादी 12 साल बड़ी अमृता सिंह से हुई थी, जिससे सैफ को दो बच्चे भी हैं। करीना सैफ की दूसरी पत्नी। नंबर दो रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी ने आदित्य चोपड़े से शादी की। आदित्य चोपड़े पहले से ही शादीशुदा, लेकिन रानी से मिलने के बाद उन्होंने रानी से शादी कर ली। नंबर तीन हेमा मालिनी। धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे और उन्हें बच्चे भी थे। हेमा मालिनी पर दिल आने के बाद धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म अपनाया और शादी कर ली। नंबर चार शिल्पा शेट्टी। शिल्पा ने राजकुंद्रा से शादी की, लेकिन राजकुंद्रा की यह दूसरी शादी थी। नंबर पाँच विद्या बालन। विद्या बालन के चाहने वाले ये तो जानते हैं कि उन्होंने सिद्धार्थ रॉय कपूर से शादी कर ली, लेकिन हम आपको बता दें कि सिद्धार्थ के पहले से ही दो तलाक हो चुके थे। विद्या सिद्धार्थ की तीसरी पत्नी थी। नंबर छह करिश्मा कपूर। करीना की तरह करिश्मा का भी शादीशुदा मर्द पर दिल आया। करिश्मा कपूर ने संजय कपूर से शादी की थी, जो यह संजय की दूसरी शादी, हालांकि अब दोनों का तलाक हो गया है। नंबर सात श्रीदेवी। बॉलीवुड में हवा हवाई के नाम से मशहूर श्रीदेवी, प्यार हुआ था बोनी कपूर। बोनी कपूर पहले से ही बाल बच्चेदार आदमी थी, लेकिन बोनी ने अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर श्रीदेवी से शादी कर। नंबर आठ जूही चावला। जूही चावला की शादी बहुत ही गुपचुप तरीके से हुई। जूही ने बिजनेसमैन जय मेहता से शादी की। जय मेहता की पहली पत्नी का प्लेन क्रैश में देहांत हो गया था। नंबर नौ बिपाशा बसु। बिपाशा बसु ने करण सिंह ग्रोवर से बहुत ही धूमधाम से शादी की। बिपाशा से शादी करने से पहले करण के दो तलाक हो गए। इनमें से आपकी फेवरेट एक्टर कौन है कॉमेंट में बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब।